श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आज हम बात करने वाले जिन जिन नातों पे, मतलब कह ढा रखा है इन लोगों ने मतलब कहीं भी जाओ किसी के पास जाओ तो डीमंस ने पकड़ लिया जिन जिन नातों ने पकड़ दिया जिन जिन नातों की तो बात ही और है। हर मौलवी एक कपड़ा हाथ में लेकर के आजकल जिन भगा रहा है उस पर भी जिन कौन हिंदू जिन कोई हिंदू सैनिक का जिन भगा रहा है कोई क्रिश्चियन पादरी जो है शिव का जिन भगा रहा है ठीक है तो मैंने सोचा भैया एक बार तो जिन पर बात करनी बनती है देखो जो भी हमारे साधक भाई हैं और जिनको केसेस मिलता है उनको पता है कि जिन जिन के केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं और क्योंकि ये मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जिन जिन्नात होते हैं इसीलिए लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं ठीक है आप अगर किसी भी और एंटिटी की बात करें उससे ज़्यादा जिन जिन्नातों पे खास करके मुसलमान भाइयों को बहुत ज़्यादा भरोसा होता है क्योंकि उनके किताब में लिखा है कि एक साथ अल्लाह ने तीन किस्म की चीज़ें बनाई थी जिसमें एक जिन थे जिनको आग के मतलब बिना धुआं वाली आग मतलब अंत में जो आग बचता है उससे बनाया जिन जिन नातों को इंसानों को मिट्टी से बनाया और रोशनी से वो फेरीज एंजल जो भी कहते हैं उसको बनाया <coughs> तो ऐसा मान्यता है कि जो फ़ेरी एंजल होते हैं वो काफ़ी इंसान के प्रति खुश मिजाज होते हैं उनको हमेशा मदद करते हैं और जो जिन जिन नात होते हैं वो इंसानों की तरह डुअल कैरेक्टर के होते हैं अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं ऐसा भी लिखा है कि जिन जिन्नात इंसानों से उतना ही डरते हैं जितना इंसान जिन जिन्नातों से डरते हैं ठीक है तो ये हो गया कुरान की बात कुरान के अलावा जिन जिन्नातों के बारे में अगर हम बात करें तो इनका इनके बारे में एक जगह और बताया गया है देखिए कोई भी अगर एंटिटी के बारे में लोग जानते हैं या उनको पता है कि ऐसी कोई एंटिटी होती है ठीक है तो वो एंटिटी किसी न किसी घटना से प्रेरित होता है जैसे अगर आप माइथोलॉजी की बात करें तो माइथोलॉजी में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो किसी न किसी घटना से प्रेरित होती है भले हु घटना हो या ना हो ठीक है तो यूएफ़ोलॉजी जो एक यूएफओज अगर जब जानते हो कि दूसरे ग्रह से लोग आते हैं दूसरे डायमेंशन से लोग आते हैं ऐसी एक पढ़ाई है एंटिटीज़ के बारे में यू के बारे में परिजीवों के बारे में, में परिग्रह के परिग्रह के लोगों के बारे में तो उसमें कहा जाता है कि एक किस्म का एलियन आज से करीब करीब 300 साल पहले पृथ्वी पर आया था उसको राक कहते थे ठीक है राक की तस्वीर भी मैं आपको दे रहा हूं तो राक जो था वो क्योंकि पीले रंग का था हम्म और उसके काफ़ी जैसे पेड़ों के तन निकले रहते हैं वैसे निकला हुआ था तो वो बिल्कुल दिखने में ऐसा लगता था कि चलता हुआ फिर आ गया तो ये जो चौंतीस ऐसे एलियंस को साइंटिस्ट uh, जो इसको साइंटिस्ट तो ना कहेंगे लेकिन हाँ जो इस पर रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो चौंतीस ऐसे एलियंस को uh, माना है कि ये एलियंस पृथ्वी पर कभी ना कभी आए थे उसमें से एक राख है और राख सऊदी की धरती पे ही उतरा था मिडिल ईस्ट में ही उतरा था और ये एक ऐसा प्रजाति है जो सबसे कम पृथ्वी पर आया है और ये जो सोलह शताब्दी में आया था उसी को बोला जाता है कि बाद में क़ुरान या हदीस जिसमें भी ये आया इनके बारे में ही लिखा गया कि ये जिन होते हैं और ये आग से बने हुए हैं ठीक है अब बात आती है कि जिन क्या इतने संख्या में हैं कि लोगों को हर दूसरे इंसान को ये प्रताड़ित करते हैं देखो इसमें एक बहुत ही सोचने वाली बात है जब एक हिंदू तांत्रिक के पास कोई जाता है तो वो ये नहीं बोलता कि तुम्हें शैतान लग गया है तुम्हें राक्षस लग गया है तुम्हें जिन लग गया है वो भूत बाधा दूर करता है ठीक है इसके अलावा प्रेत बाधा होता है तो प्रेत क्या होता है देखिए लोग सोचते हैं कि प्रेत कुछ और होता है नहीं नहीं प्रेत बिल्कुल ही भूत को ही कहते हैं प्रेत का मतलब हुआ किसी के पूर्वज को प्रेत कहा जाता है ठीक है तो पूर्वजों को प्रेत कहा जाता है तो प्रेत बाधा मतलब पूर्वजों से जो आपका बाधा हो रहा है वो आपके परिवार का पूर्वज हो या और किसी जाति या धर्म का मतलब किसी और का पूर्वज हो लेकिन वो पूर्वज को प्रेत कहते हैं ठीक है अब आइए पिचास पे तो पिचास कभी किसी के शरीर को नहीं पकड़ता है ठीक है पिचास का और बाधाएं होती हैं आपके घर में कुछ दिक्कत करेगा आपको दिखेगा उठा पटक समान करेगा ठीक है मैं एक जिन डॉक्टर से मिला था करीब चौरासी साल के ये डॉक्टर हैं और इन्होंने लाखों लाख पेशेंट्स देखे हैं जिनके ठीक है तो इन्होंने मुझे बताया कि शायद इन्होंने अस्सी के दशक में लास्ट ऐसा केस देखा था जिसमें कि सही में एक जिन का कुछ अंश इनको को दिखाता तो मैंने पूछा तो फिर इतनी बड़ी लाइन क्यों लगी हुई है तो बोला ये लाइन जिन का नहीं है ये लाइन लोगों के विश्वास का है कि उनको जिन लगा हुआ है और मैं पानी पढ़ के देता हूँ अल्लाह के नाम पर और ये ठीक हो जाते देखो मुसलमानों में जिन इसलिए है क्योंकि वो ये नहीं मानते कि भूत प्रेत होते हैं उनके हिसाब से रूह जो है वो सब कब्र में गड़े हुए हैं और वो रूह तभी निकलेंगे जब अल्लाह आएंगे क़यामत के दिन ठीक है तो उसका रिप्लेसमेंट है कि उन्होंने जिनका ईजाद किया देखिए क्रिश्चियनिटी में भी मानता है जो डी, डीमंस कहते हैं एक तरह से आप मान लो तो क्रिश्चियनिटी भी मानता है कि डीमंस पृथ्वी पर अब नहीं विचरते हैं ठीक है जो लास्ट डेमोनिक पोजिशन का केस ऑन रिकॉर्ड है वो 1922 या 32 के बीच का है ठीक है और ऐसा उनके एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आपको भूत प्रेत का बाधा आ जाए मतलब डिमोनिक पोजिशन का केस आपके पास आ जाता है तो आपका जीवन सफल हो गया एक केस भी एक पूरे जीवन काल में तो दो जो विषय में जो पॉइंट पर रखना चाह रहा हूं कि जिन जिनत अगर होते भी हैं ठीक है तो उनका अस्तित्व ह्यूमन लाइफ पे नहीं है ठीक है क्योंकि जब भी स्पिरिट और या कोई भी अदर लाइफ फॉर्म आपके जीवन पर या किसी के शरीर पर अगर वो कब्जा करेगा तो वो उस शरीर के लाइफ फोर्स को मतलब उस व्यक्ति को मार के ही उसके शरीर पर कब्जा कर सकता है तो जो भी जिन जिननातों की बातें आती हैं वो एक्चुअली रूह होती है वो आत्मा होती है वो भूत होते हैं वो प्रेत होते हैं जो शरीर के आसपास रह करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं तो अब बोलिए कि जब उनको मौलाना झाड़ते हैं तो वो मार क्यों वो मार क्यों सहते हैं ठीक है ठीके? और वो मान क्यों जाते हैं कि भाई जिन जिननाते इसमें दो विषय है पहला तो अगर जिन जिन नाथ होंगे तो क्या वो मौलाना के मंत्र पढ़ने तक इंतज़ार करेंगे अगर वो इतनी शक्तिशाली है जितना ये बोलते हैं दूसरा वो जो मान जाते हैं वो इसलिए मानते हैं क्योंकि मौलाना उनको पीटते हैं ठीक है वो उनके एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को दबाते हैं जो कि उनके मेंटल इलनेस को ट्रिगर करता है और इस कारण से वो दर्द के चलते मान जाते हैं कि उनमें कुछ शक्ति आप देख लोगे कि जब फ्रॉड टाइप का तंत्र किसी को झाड़ता है ना तो उसको पीटता है लेकिन कोई ढंग का अगर अघोरी किसी को झाड़ रहा है या फिर वो भलाए दूर कर रहा है तो वो छुएगा भी नहीं वो पानी मारेगा वो मंत्र पढ़ेगा वो फूकेगा वो अपने हवन में बैठाएगा पीटता वीटता नहीं पीटने के डर से तो सारे भूत भागते हैं ठीक है तो मूलभूत हर बातों का सार ये है कि अगर आप मुझसे पूछे कि जिन होते हैं कि नहीं होते हैं ठीक है लेकिन वो किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं क्या तो मैं बोलूँगा नहीं कर सकते हैं वो भले एक फिजिकल फॉर्म में आ जाए <coughs> जैसे आप और मैं है वैसे ही वो भी आपके जीवन में आ जाए और आपके जीवन में उठा पटक करे लेकिन वो किसी के शरीर को पकड़ ले ऐसा मैं नहीं मानता अगर होते भी हैं तो।, तो होता क्या है तो होते है, होती है रूहे ठीक है मैं ऐसे ही एक विषय और है डीमंस के बारे में जो कि आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा लोग बात करते हैं तो डीमेंस के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा किताब खरीद सकते हैं और मुझसे अगर डायरेक्ट आपको बात करना है तो फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए उसमें रुद्रनाथ टाइप कीजिए और आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है नाइन इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा कॉल मत करिएगा ठीक है कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है आप सभी को अलग आदेश और आप इस तरह के सभी बलाओं से दूर रखें ऐसे मैं भगवती को कामना करता हूँ अलग आदेश